Yeah, so hi guys, this is Navdeep here, and this is my video lecture on Vijayanagar Empire. Okay, so we completed till Delhi Sultanate, okay, and now we'll be moving towards the South Indian Kingdoms. Okay, so South Indian Kingdoms, jaane se pehle, we must have a look at the Vijayanagar Empire. Okay, so Vijayanagar Empire was established by Harihara and Bukka. Okay, remember this name, in 1336. Actually, they were, we can say, as the officers. In short, if I tell you, they were the officers of Mohammed bin Tughlaq. Okay. So, after some time, they established their own kingdom. That means they attained independence. Okay. So, once they attained the independence, they set up their own empire in the Vijayanagara. Aur ye jo Vijayanagara tha, over the period, it has been ruled by four dynasties: Sangama, Suruva, Thuruva, and Aravindra. Okay, remember these names also. SSTA. Just remember the chronology: SSTA, Sangama, Suruva, Thuruva, and Aravindra. Ab ye kahan se kahan tak tha? Iska extent tha from river Krishna to extreme south. So all Vijayanagara Empire here. Okay, ye Vijayanagara Empire during its zenith. यहाँ पे अब हम भी देखें रायचूर द्वाब. ओके, दिस इज द रायचूर द्वाब, दिस एरिया. अब ये रायचूर द्वाब जो इट इज ए वेरी फर्टाइल लैंड. ओके, तो अगर विजयनगर अंपायर बहुत ही प्रोग्रेसिव स्टेट थी, अंपायर था, तो कहीं ना कहीं उसमें जो हाथ है डेट वाज ऑफ दिस रायचूर द्वाब, बिकॉज इट वाज ए वेरी फर्टाइल लैंड. ओके, तो अब ये बात देख लीजिए कि जो भावनी किंगडम के साथ जो इनकी वॉर थी, इट वॉज ओवर दिस रायचूर द्वाब को कैप्चर करने के लिए. अनदर टू सिटीज वेर अनंतपुर एंड पेनकोटा. अब इनका जो जो एम्पायर था विजयनगर के साथ, जो इनका एक इशू चल रहा था, वी विल स्टडी इट इन डिटेल व्हेन वी विल स्टडी द बहामनी किंगडम. ओके, बस जस्ट वांटेड टू शो दिस लोकेशन, दिस वाज अ राइचूर द्वाब. ओके, अब यहाँ आ जाइए. अब हु टेल्स अस अबाउट द विजयनगर एम्पायर. एक्चुअली विजयनगर एम्पायर बहुत प्रोग्रेसिव था, जैसे मैंने कहा. वी हैव अ लॉट ऑफ द फॉरेन ट्रेवलर्स हु विजिटेड Vijayanagara Empire. We have Ibn Battuta, who was a Moroccan. Okay, we have Nicole de Conti, who was Nisian. Okay, we have Abdul Razak, who was a Persian historian. We have got Domingo Pais, who was a Portuguese. So all these travelers, they have visited the Vijayanagara. Okay, and Iniga jo empire ka, isi empire ka, okay, इसी अंपायर का जो मेन हमें प्रिसाइजली अकाउंट मिलता है, वो इन ट्रैवलर हिस्टोरियंस के अकाउंट से. ओके, इससे हमें पता ये लगता है कि फर्स्ट डायनेस्टी दैट रूल द विजयनगर अंपायर वाज़ अ संगम डायनेस्टी. ओके, सो 1336, एज आई टोल्ड यू, हरिहरा एंड बुक्का अटेन द इंडिपेंडेंस. 1485 तक ये रूल करते हैं. लॉन्गेस्ट रनिंग डायनेस्टी थी संगम डायनेस्टी. ऐसा कहा जाता है कि दे वो थी हरिहरा एंड बुक्का, दे वेर द सन्स ऑफ संगम. अब संगम कौन थे? दे वेर द कैकतिया जो थे वरंगल वाले, उनके फ्यूजिटरीज. ओके, तो अब अगर आप थोड़ा सा इनके नॉर्थ में देखोगे, दे वेर होयसाला किंगडम. ओके, वी विल डिस्कस इट इन द अदर सेपरेट के होयसाला कहाँ कहाँ पे था. बट जो चीज आपको याद रखनी है कि अंडर इट वॉज हरिहरा दैट होयसाला किंगडम वॉज कॉन्कर्ड. ओके, एंड आपके जो संगम डायनेस्टी के अंडर जो विजयनगर एम्पायर था, उसको पुट. ओके, हरिहरा वाज सक्सीडेड बाय हिज ब्रदर बुक्का. ओके, एंड ही वॉट कैप्चर्ड, ही कैप्चर्ड रायचूर द्वाब फ्रॉम द भामनी सुल्तान. ओके, ऐसा कहा जाता है कि इसने मदुराई के साथ वॉर किया एंड ही डिस्ट्रॉयड द किंगडम. जस्ट पूरे साउथ इंडिया तक किंगडम को एक्सटेंड कर गए हियर. ओके, यहाँ पे आफ्टर डिफीटिंग मदुराई किंग्स, इसने साउथ की ओर पूरा फुल ले गया. ओके, हरिहरा डिफीटेड होयसाला. ओके, देन ये रायचूर द्वाब भी कैप्चर करते हैं एंड देन दे मूव टुवर्ड्स दी साउथ. ओके, अब एक चीज याद रखिएगा, दे हैड टू मेन लर्नड वी कैन से कमेंटेटर्स ऑन वेदास इन विजयनगर एम्पायर. ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे आ सकता है. देवर सायना एंड माधव. ओके, देवर कमेंटेटर ऑन वेदास एंड इट इज सेड दैट कि बुक्का वन हरिहरा टू के ये मिनिस्टर. ओके, दिस इज
अब रायचूर दुआब के ऊपर जैसे मैंने आपसे कहा था, विजयनगर और बहामनी का जो कंफ्लिक्ट है काफी टाइम तक चला। ओके, तो दिस रायचूर दुआब ये जो था, इट वॉज बिटवीन जैसे मैंने कहा था रिवर कृष्ण एंड तुंगभद्रा, और इसी को हम कहते हैं कृष्ण गोदावरी डेल्टा। ये मेन इसी के ऊपर जंगती थी कि हु कैप्चर्स। ओके, तो इसी रायचूर दुआब को कैप्चर करने का मतलब था दैट योर एम्पायर विल बी मोर प्रोग्रेसिव, क्योंकि एक फर्टाइल लैंड था, जो भी इसको कैप्चर कर लेता एम्पायर वुड हैव बीन प्रोग्रेसिव। इसलिए अगर आप देखते भानी किंगडम और विजयनगर के बीच में, तो संगम के सबसे डायनेस्टी के ग्रेटेस्ट किंग देवर आए होते हैं। ऐसा कहा जाता है पर्शियन हिस्टोरियन अब्दुल रजाक, जो कि शाहरुख पर्शियन किंग शाहरुख के जो एनवाय थे, वो विजयनगर किंग में आए, उन्होंने अपना एक अकाउंट रखा। ओके, इन्हें आगे 1486 में संगम डायनेस्टी को कौन सक्सीड करता है? सुलुवा डायनेस्टी। ओके, अब सुलुवा जो है इट इज द स्मॉलेस्ट रेनिंग डायनेस्टी, लार्जेस्ट कौन सी है? वी स्पोक अबाउट इट, और संगम डायनेस्टी। सबसे ज्यादा टाइम उन्होंने रूल किया, दे मेनली रूल फॉर 19 ईयर्स। ओके, सुलुवा नरसिम्हन इस डायनेस्टी के फाउंडर थे। ओके, इनका ऐसा कहा जाता है कि जो संगम डायनेस्टी ने, अब देखिए आप एक चीज देखिए यहाँ पर, संगम डायनेस्टी बहुत प्रोग्रेसिव थी, इन्होंने अपने मिनिस्टर्स को जो है वेरियस फ्यूड्स दिए हुए थे, कि वो फ्यूड्स यानी छोटे छोटे एरिया जो थे अपने मिनिस्टर्स को दिए हुए थे, अपने नोबल्स को दिए हुए थे, वो वहाँ पे अपनी आर्मी जो थे वो एक हिसाब से आर्मी बिल्ड करते थे, और वहाँ के रेवेन्यू से एक पार्ट रेवेन्यू को किंग तक पहुँचा देते थे, बदले में जो था किंग उन्हें यहाँ का रेवेन्यू दे देता था, एंड इन रिटर्न वो आर्मी से सेफ गार्ड कर देते। किंग ने प्रॉमिस करता था कि अगर आप पे कभी अटैक होता तो आई विल सेव यू। ओके, ये सिस्टम बना। अब संगम डायनेस्टी जैसे जैसे ही 1842 में आते आते जैसे ही वो डिक्लाइन करना शुरू कर देती है आफ्टर डेथ ऑफ देवराय टू, उसी टाइम पे हम देखते हैं फ्यूड्स कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करते जाते हैं। अब नरसिम्हन जब सुलुवा डायनेस्टी फॉर्म करते हैं तो सबसे पहला ये काम करते हैं, इन फ्यूड्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, इनकी रिबेलियन को साइलेंस करते हैं। ओके, सुलुवा नरसिम्हन वाज सक्सीडेड बाय इमादी नरसिम्हन। ओके, तो ये बहुत ही एक ऐसा कहा जाता है कि इमादी नरसिम्हन एक वीक रूलर, एंड इनकी इनके इवेंट में सुलुवा डायनेस्टी के इवेंट में एक इवेंट होता है कि जो वास्को डी गामा थे वो कैलीकट इनके टाइम में आते हैं 1498, जब ये रूल कर रहे थे सुलुवा डायनेस्टी। तो दिस इज द फैक्ट टू रिमेंबर कि वास्को डी गामा विजिटेड कैलीकट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सुलुवा डायनेस्टी। ओके, इमादी नरसिम्हन के बाद वी सी के नरसा नायका जो सुलुवा डायनेस्टी के फाउंडर थे, ये किंग बन जाते हैं, किंग को ओवरथ्रो करके सुलुवा डायनेस्टी को ओवरथ्रो करके सुलुवा डायनेस्टी बनाते हैं। कौन बनाते हैं? नरसानायक। सुलुवा डायनेस्टी भी एक हिसाब से बहुत टाइम तक रूल करती है, तो वी कांट से संगम डायनेस्टी जितना रूल किया, बट दे आल्सो रूल फॉर अ मेजर टाइम। ओके, नरसानायक जो थे कहीं ना कहीं संघर्ष करते रहे काफी टाइम तक। व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस फ्यूडिटीज, ये फिर से रिबेल कर देते, जो फ्यूडिटीज को रिबेलियन इन्होंने क्रश किया था सुलुवा डायनेस्टी ने, ये फिर से रिबेल करने के लिए। तो नरसानायका के फिर बेटे आते हैं वीरा नरसिम्हा। ओके, और वो सुलुवा डायनेस्टी को होगा। ओके, अब इसके बाद सुलुवा डायनेस्टी का एक इवेंट होता है, मेजर इवेंट होता है, दैट इज की जो कृष्णदेव राय है, मोस्ट फेमस विजयनगर अंपायर किंग जिसके अंदर पूरी डेवलपमेंट होती है, कृष्णदेव राय, he was the half brother of this Sulu dynasty king Veera Narasimha. Okay, so Krishnadevaraya belonged to Sulu dynasty, aur aapke Vasco da Gama kis time pe aate hain? Sulu dynasty ke time pe. Ye dono fact ab yaad rakhiye. Okay, 1509 mein Krishnadevaraya king bante hain aapke Vijayanagar. Okay, ab hum मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, डेट इज कृष्णदेव राय। ओके, अब जब कृष्णदेव राय आ जाते हैं, ओके, एज आई टोल्ड यू देयर वेर वेरियस रिबेलियंस गोइंग ऑन। अब इनका रिबेलियंस चल रहा था कहाँ कहाँ से? एक ओडिशा से चल रहा था, गजापति ओडिशा के जो इनके ही सबॉर्डिनेट्स थे, ओके,
वो इनके ऊपर अटैक कर देते हैं। वहां से जो बाहमनी किंगडम्स थे, वहां से मुस्लिम किंगडम्स बाहमनी, वो इन पर अटैक कर देते हैं। ओके, अब ऐसा कहा जाता है कि कृष्णदेव राय फॉट विद दीज गजापति, और इन्हीं के साथ जो प्रेजेंट डे ओडिशा है वो कृष्णदेव राय जो है ऑक्यूपाई कर लेते। ओके, एंड अब अगर आप एक्सटेंड देखेंगे तो इट इज गोइंग ईस्टवर्ड। ओके, सो नाउ ऑस्ट्रेलिया ओडिशा इज इन द हैंड्स ऑफ द विजयनगरम। ऐसा कहा जाता है कि देयर वाज अ बैटल ऑफ दीवानी। ओके, अब जब कृष्णदेव राय पूरा नॉर्थ की ओर जाना चाहते थे, नॉर्थ में आपको पता देयर वाज डेक्कन। ओके, तो कृष्णदेव राय जो है वहां पे डेक्कन सुल्तान्स को हरा देते हैं इन बैटल ऑफ दीवानी। ओके, तो उसके बाद ये रायचूर द्वाब वापस जाते हैं, जैसे मैंने कहा टुक बादरान कृष्ण गोदेवरे डेल्टा जो था, यहाँ पे सुल्तान और बीजापुर इस्माइल आदिल शाह को ये हराते हैं। ओके, और बिद्र को भी कैप्चर कर लेते हैं। ओके, तो ये इवेंट दूसरा इनके इसमें होता है कि वन गजापति को हरा के ये उड़ीसा को कैप्चर करते हैं, दूसरा डेक्कन कैप्चर करते हैं बैटल ऑफ दीवानी के बाद, रायचूर द्वाब और आपका बिद्र जो कि बीजापुर सुल्तान का जो कैपिटल था उसे कैप्चर करते हैं इस्माइल आदिल शाह। ओके, ऐसा कहा जाता है ही वाज वेरी वेल वर्स्ड, वेरी वेल रेड किंग। ओके, इसीलिए ये 1510 में गोवा को कैप्चर करने में हेल्प करते हैं पोर्तुगीज। ओके, सो जो पोर्तुगीज ने गोवा कैप्चर किया इट वॉज विद द हेल्प ऑफ द कृष्णदेव राय। It happened in 1510, and it is said that he maintained a friendly relations with him. Okay, he also spoke very fluent Portuguese. Okay, and what in return he got for the Portuguese? So he helped Goa to be annexed by the Portuguese from the Bijapur rulers. And what did the Portuguese gave him? Portuguese gave him he said that a high breed of Arabian horses, and he also got overseas trade for the. Okay, so there it is said that the two Portuguese travelers, Domingo Paes and Duarte Barbosa, they visited his court. So who? Domingo Paes and Duarte Barbosa. अब अगर इसको आप क्वेश्चन बना के देखेंगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं आपसे कि डोमिंगो पेस एंड बारबोसा विजिटेड विच किंग्स कोर्ट, तो दे विजिटेड कृष्णदेव राय कोर्ट एंड देयर अकाउंट्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। ओके, अब एक बात याद रखिएगा कि व्हेन बाबर बिकेम ओके मुगल्स रूल इमर्ज होता है जब यहाँ पे कृष्णदेव राय रूल कर रहे थे तो देवर कंटेम्प्रेरी टू इट। नॉर्थ में बाबर का रूल आया था, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हो रही थी, यहाँ पे कृष्णदेव राय जो थे विजयनगर के किंग के रिमेंबर दिस पे। ओके, तो कृष्णदेव राय वाज अ कंटेम्पररी टू बाबर, दैट इज व्हाई व्हिच मींस कि जब फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होती है तो कृष्णदेव राय वाज द रूलर ऑफ विजयनगर। अब रिलीजन की ओर चलते हैं, व्हाट वाज द रिलीजन ऑफ कृष्णदेव राय? कृष्णदेव राय वाज अ वैष्णवाइट। ओके, तो वैष्णवाइट थे बट ही रिस्पेक्टेड ऑल द रिलीजन। इट इज सेड कि दैट ही वाज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ लॉर्ड वेंकटेश्वर ऑफ तिरुपति। ओके, अब एक और फैक्ट इसके साथ जुड़ा हुआ है, वल्लभाचार्य एंड चैतन्य महाप्रभु द टू सेंट्स ऑफ द भक्ति मूवमेंट आल्सो विजिटेड हिज कोर्ट। सो यू हैव दिस ट्रैवलर डोमिंगो पेस बारबोसा, यू हैव भक्ति सेंट्स लाइक वल्लभाचार्य चैतन्य महाप्रभु हु विजिटेड हिज कोर्ट। ओके, it is said that the madhava saint vyas thirtha, he was the rajguru of the krishnadev raya, that means the head priest in his court was vyas thirtha. Okay, as I told you he was well read. Okay, to ye facts ab yaad rakhi, as I told you that he was well read. Okay, he was very well read, he was a great patronage of art and architecture and literature, so he is called as andhrabhoj. What he is called as Andhrabhoj. Okay, he is also called as Abhinavabhoj. Okay, so two names are known: Andhrabhoj and Abhinavabhoj.
Okay, it is said that he himself wrote a Telugu work called Muthukuthumuladeya, and Sanskrit plays as Jambati Kalyan. Okay, it is said ki iske court mein, ki Krishnadev Raja ke court mein, there were 8 eminent scholars. Okay, and they were called as Astadigaj. Okay, and were patronized like Alasadi Pedha, okay, and Nandi. So, ye jo kuch scholars jo unke court mein hote the. But he had 8 main eminent scholars, jise Astadigaj kaha. Remember this. Okay, and in his court, he has representatives of Sanskrit, Telugu, Kannada, Tamil points. Okay, and a large, just jab aapke itne zyada har language ka aapke yahan par banda hai, you have scholars from each language like Sanskrit, Telugu, Kannada and Tamil. Thus, it is, ye kehna galti hoga ki language aur literature mein jo aapke yahan se bhumika aati hai, bahut hai. Okay, ab cut short mein hum ye dekhte the ki what he built. Okay, he built Vijaya Mahal, Hazara Ramaswamy Temple, Vithal Swami Temple at Vijayanagar. Okay, he also built Ryogapuram, a new city ye bulate hain Nagalapuram, in the memory of our of his queen Nagala Devi. Okay, and he builds a reservoir across the river Tugabhadra called Vallabhapuram, and a channel called Baswana. Okay, so itna sab, that means the glory jo aayi Vijayanagar empire ki, it was during the time of Krishnadevaraya. Okay, aap har side pe dekh lijiye, extension bhi ho rahi thi. You had a contact with the Portuguese. Okay, then you have Ashtadigaj, and thus aapka literature both advanced ho gaya, aur wahan se aapka architecture bhi ho gaya. You found a new city. Not only this, kuch purane Indian South Indian temples, okay, all were repaired by him. Many were repaired by him, but he is said to have, you know, have the big towers on the temples in South India. Thus, they are called as Raya Gopuram in his honor. Okay, if you see this south big tower, southern towers, big tower. Okay, he started this convention. Ye temples ke upar jo the, ye bade bade aap dekhe towers banane ki. That's why he is called as Raya Gopuram. Okay, uske honor karne ke liye in towers ko kaha jata hai Raya Gopuram, just to honor. Okay. अब यहाँ देख लीजिए, अशुतो देवा, कृष्ण देव वॉज क्रिएटेड बाय अशुतो देवा, लास्ट रूलर वॉज ऋषि राय, बट रामा राय वॉज रूलिंग. अब देखिए, बैटल ऑफ रक्षिका टंगदी होती है, इट इज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ दिस रामा राय, द लास्ट ऑफ द लास्ट किंग्स ऑफ द कृष्ण देव राय डायनेस्टी. ओके, दैट मीन्स तुलू डायनेस्टी. इस टाइम पे एक बैटल होती है, बैटल ऑफ रक्षिका टंगदी. ओके, रामा राय ऐसा कहता था कि ही टुक एक्टिव पार्ट इन द मुस्लिम पॉलिटिक्स. ओके, अब जब आप उनके बाकी मुस्लिम पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आप उनकी किंगडम के साथ छेड़खानी कर रहे हैं, तो ऐसा हुआ 1565 आते आते जितनी भी सल्तनत थी, किसी भी मुस्लिम सल्तनत, दे फाउंड ए कोएलिशन. ओके, एक्सेप्ट बेरार, एंड बैटल ऑफ टलीकोटो होती है, जिसे बैटल ऑफ रक्षा तकदीब कहा जाता है. इसमें राम राय को मारा जाता है, एक पॉलिटिकल प्रिजनर उन्हें ले जाया जाता है. ओके, पहले उन्हें पॉलिटिकल प्रिजनर ले जाता है, फिर उन्हें मारा जाता है. ऐसा कहा जाता है कि इस बैटल के बाद, बैटल ऑफ कलिकोटा या बैटल ऑफ रक्षा टंगदी, द सिटी ऑफ विजयनगर वाज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड एंड लूटेड. ओके, इसके बाद लास्ट डायनेस्टी आती है, जिसको कहते हैं अरेवैद्यु डायनेस्टी. तिरुमाला लाया राया, ओके, ये रूल करते हैं सिटी को, लेकिन विजयनगर को कहीं ना कहीं वैसा बना नहीं पाते, बिकॉज इन द बैटल ऑफ टलीकोटा, जैसे मैंने आपसे कहा था, इट वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड. इसलिए ये अपना नया कैपिटल कहाँ लेके जाते हैं, पेनुगोंडा, उसके बाद चंद्रगिरी. तो लास्ट रूलर जो विजयनगर का था, इट वॉज श्री रंगा. ओके, दिस वॉज ऑल अबाउट द ओवरव्यू ऑफ द विजयनगर. अब थोड़ी सी एडमिनिस्ट्रेशन को हम देख लेते हैं, हाउ वॉज द एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द विजयनगर किंग. तो हम ये देखते हैं कि किंगडम जो विजयनगर थी, इट वॉज डिवाइडेड इंटू प्रोविंसेस, जिसे मंडलम्स कहा जाता है. ओके, सो आपकी पूरी किंगडम है पहले,
किंगडम को जो है प्रोविंसेस में तोड़ा जाता था. दीज प्रोविंसेस वेयर कॉल्ड मंडलम. इन प्रोविंसेस को क्या कहते थे? मंडलम. एंड दीज मंडलम दैट मीन्स द प्रोविंसेस वेयर हेडेड बाय द मंडलेश्वर. ओके, अब ये प्रोविंसेस जो इनको स्पेसिफिकली फिर आप डिस्ट्रिक्ट में तोड़ते. ओके, दीज डिस्ट्रिक्ट वेयर कॉल्ड नाडू. ओके, एंड ये नाडू किसके बने होते थे? ग्रुप ऑफ विलेजेस के, जिसे स्थाला कहा जाता था. ओके, अब ये नाडू जो है, ये नाडू काफी सारे विलेजेस को मिलकर बनाया जाता था, जिसे स्थाला कहा जाता था. एंड देन एक विलेज जिसको ग्रामा होता था. दिस वॉज द एडमिनिस्ट्रेशन. हाउ एम्पायर वॉज डिवाइडेड. ओके, सो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ. एम्पायर वॉज ब्रोकन डाउन इनटू प्रोविंसेस कॉल्ड मंडलम. हेड ऑफ दीज मंडलम्स वॉज मंडलेश्वर. ओके, एंड फर्दर डिस्ट्रिक्ट जो थे नाडू कहते थे. देन वी हैड ब्लॉक्स कॉल्ड स्थाला विच वॉज ए ग्रुप ऑफ विलेजेस एंड देन वी हैड ग्राम्स. ओके, अब लैंड रेवेन्यू कितना था? लैंड रेवेन्यू वॉज फिक्स्ड एट 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस. ओके, इट इज सेड कि जैसा लैंड था, स्पेशली इन द रायचूर दोआब वगैरह, उधर रेवेन्यू सिस्टम थोड़ा अलग था. इट डिफर्ड फ्रॉम द एरिया कल्टिवेशन. ऑल्सो जो अदर प्रोविंसेस थे उनको भी अलग से टैक्स. ओके, अब सबसे जो एक यू नो वी कैन से एक डिस्टिंक्ट जो चीज है आपके विजयनगरम पार्ट की, डेट इज अयागर सिस्टम. ओके, सो व्हाट वाज इन दिस अयागर सिस्टम? ओके, इट इज सेड दैट इन अयागर सिस्टम एवरी विलेज वाज अ सेपरेट यूनिट. ओके, एंड इट्स, अब जो जैसे मैंने आपसे कहा था नाडू मींस अ डिस्ट्रिक्ट, देयर वाज अ स्थाला देन ग्रामा. ओके, नाउ वी गो टू द ग्राम लेवल, दैट मींस अ विलेज लेवल. एवरी विलेज वाज अ सेपरेट यूनिट एंड इट्स अफेयर्स वर कंडक्टेड बाय 12 फंक्शनरीज कलेक्टिवली कॉल्ड एज अयागर. दैट मीन हर विलेज की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी ये 12 फंक्शनरीज देखते थे जिन्हें अयागर. ओके, दे वेर ग्रांटेड फ्री लैंड्स, जिसे मनियम्स कहते थे, यानी जो फ्री लैंड्स इन अयागर्स को दी जाती थी उन्हें मनियम्स कहा जाता था. ओके, एंड दिस ऑफिस ऑफ अयागर वॉज हेरिटेड. ओके, सो ये बेसिकली कुछ फंक्शनरीज देखते थे, जैसे अयागर्स जो थे काफी फंक्शनरीज देखते थे. वॉट वॉज द जस्टिस? आई थिंक जस्टिस के लिए दे वॉज अ वेरी हार्श स्टेट पनिशमेंट. ये चीज भी आप याद रख लीजिए, जैसे चोरी चुकारी करने पर मुटिलेशन ऑफ द बॉडी हो जाती थी. एलिफेंट्स ओके, अब हम चलते हैं मिलिट्री की ओर. इट्स जस्ट द ओवरव्यू. ओके, इसके बाद हम इसे डिटेल में भी करेंगे. द आर्मी अंडर द विजयनगर एम्पायर वॉज वेरी वेल ऑर्गेनाइज. ओके, इट हैड कैवेलरी, कैवेलरी, इन्फेंट्री, आर्टिलरी एंड एलिफेंट्स. एलिफेंट्स वॉज द इम्पोर्टेंट पार्ट. Now the highest rank of the military officers were known as Nayakars, Nayaks or Polikars. Okay, and they didn't get salary like Delhi Sultanate paid salary. What they were given? They were given land. Okay, yahi land aage jaake jo feuds banenge. Okay, usi se jo empire ka breakdown hoga. Okay, so remember the term Ayagars, Nayaks or Polikars. Okay, ab एक तो सिस्टम इनका अयागर सिस्टम था, अनदर सिस्टम इनका था नायाकारा. ओके, हुवर नायक्स? नायक्स वर द मिलिट्री ऑफिसर्स. ओके, अब विजयनगरम में एम्पायर में क्या था कि जितना भी लैंड है किंग इज द ओनर. ओके, एंड ही डिस्ट्रीब्यूटेड द लैंड टू हिज नायक्स, दैट मींस मिलिट्री ऑफिसर्स. ओके, सो व्हाट नायक्स डिड टू Nayaks need to pay fixed annual. जो financial contributions होती थी वो उनको court को देनी पड़ती थी. But they also needed to maintain a sufficient number of troops for the king. जब war हो जाएगी, they have to take their troops with them. Okay. And Nayaks, these military officers, also the feuds, they enjoyed a great position in the empire. Okay. And they were rigid. Hereditary थी, rigid. There was no system of their transfer from one to another. Okay, so this is all about the overview about the administration and military. Ab society kaise thi?
और उस सोसाइटी अंदर का विजयनगरम। जैसे मैंने आपसे कहा, रेवेन्यू बहुत ज़्यादा था, फर्टाइल लैंड बहुत है इनके पास, ओके, एंड दे ऑल्सो हैड नाउ द ओवरसीज ट्रेड आफ्टर कृष्णदेव राय। तो सोसाइटी कैसे थी? व्हाट डज निकोलो कोंटी से? ही वाज अ हिस्टोरियन। ही सेज दैट कि विजयनगर की जो सिटी थी, इट वाज अ लग्जरियस सोसाइटी, देयर वर स्प्लेंडेड बिल्डिंग्स, स्लेवरी वाज प्रेवलेंट, ओके, स्लेवरी भी थी वहां पर। तो दे कैन आस्क यू दिस क्वेश्चन इन एमसीक्यू, वाज स्लेवरी प्रेवलेंट इन विजयनगर? ऑफ कोर्स इट वाज, ओके। सो व्हाट वाज मेनली यूज्ड फॉर ड्रेसेस? इट वाज सिल्क एंड कॉटन, ओके। विजयनगर एम्पायर, इट इज सेड दैट इट डील्ड विद स्पाइसेस, टेक्सटाइल्स, प्रेशियस स्टोन, ओके। दो विजय कृष्णदेव राय बिलोंग टू वैष्णव, आई टोल्ड यू की ही हैड अ ग्रेट रिलीजियस स्टोन, ही हैड मुस्लिम्स इन हिज एडमिनिस्ट्रेशन, ही बिल्ड अ लार्ज नंबर ऑफ टेंपल्स, एपिक्स एंड पुराणास वर आल्सो पॉपुलर अमंग द मास्क्स। अब अगर आपको सोसाइटी के बारे में ज्यादा लिखना होता है तो वी मस्ट नो द पोजीशन ऑफ वुमेन। सो हाउ वाज द पोजीशन ऑफ वुमेन? वुमेन वेर एम्प्लॉयड इन द रॉयल पैलेस। इट इज सेड, ये याद रखिएगा, कि इन विजयनगर एम्पायर ओनली अन्नम्मा, तिरुमल्ला, गंगा देवी, हु रोट मधुविद्यम, दे वेर द स्कॉलर्स, ओके। लेकिन एक और खराबी चीज बात भी थी कि देवदासी सिस्टम जो था, इट फ्लोरिश अंडर विजयनगर एम्पायर। देवदासी सिस्टम मींस देयर वेयर द डांसिंग गर्ल्स वेयर अटैच टू द टेंपल्स। पॉलीगामी जो थी वो प्रेवलेंट थी अमंग द रॉयल फैमिली। सती प्रैक्टिस की जो थी, कुछ जो हिस्टोरियंस लिखते थे, वो ऑल्सो सती, ओके। दिस वॉज ऑल अबाउट द सोसाइटी, वुमेन, एडमिनिस्ट्रेशन, ओके। Now what we need to know about an overview of the architecture. All this will be done in the detail, but I'm just giving now overview of it. Okay. अब यहाँ देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा, ये जो temples के ऊपर आप towers देख रहे हैं, this is Raya Gopura. ये चीज़ याद रखें. Okay. And Vijayanagara Empire is mostly known, also known for the temple building. Okay. We know that in the Vijayanagara Empire only there are shrines of Virupaksha and Kumpa Devi. Okay, aisa kaha jata hai ki jo Vijayanagara kings the, wo ye kehte the ki we are the ruling on the behalf of the god Virupaksha. Okay, and temples ki wall pe jo inscription thi from the stories of Ramayana and Mahabharata in the temples, it was started by the Vijayanagara rulers. So Vijayanagara rulers, they started practicing wall inscriptions with the stories of Ramayana and Mahabharata. Okay. Vithoswami and Hazara temple, agar aap dekhenge, Hazara Rama temple have such inscriptions. Jaise maine aapse kaha tha, they had a long towers called Raya Gopuram, that is the gateways. You have Kalyan Mandalams, open pavilions with carved pillars. All these were the character features of the Vijayanagara. ओके, जो मंडलम्स होते थे इनके ऊपर रॉयल डेटीज जो होती थी, गॉड्स की जो डेटीज होती थी वो रखी जाती थी, ओके। अमन श्राइन्स वेयर एडिंग टू द एग्जिस्टिंग। आप अगर भद्रराज और एकमप्र था टेम्पल देखेंगे कांचीपुरम का, दे वर ऑल्सो एग्जाम्पल्स ऑफ विजयनगर स्टाइल ऑफ, ओके। अब एक बार हम इनको देख लेते हैं, सो दिस वॉज द आर्किटेक्चर इन साइट, आपको पता चल गया होगा वी हैव क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स थे, construction of tall Raya Gopuram and Kalyan Mandalam, and which was the main god they followed, it was Virupaksha and Pampa Devi, and famous towers may have Vekta Raja, Ekam Pratha temple, Kanchipuram, the Olix. Now we want to know about the foreign visitors of Vijayanagara. What are the various foreign kingdoms that visited the Vijayanagara? It was Ibn Battuta, first of all. Okay, who visited during the reign of Mohammad Tughlaq, came to Vijayanagara during the reign of Hariyara I. We have Niccolo Conti, who was a Venetian. Okay, we have Abu Razak, a Persian. Jaise maine kaha, Shahrukh, jo ki Persian ke ruler the, unke the. He stayed in the court of Zamorin. Okay, Durid Barbosa, Portuguese the. Rimigo, okay, he visited the court of Krishnadevraya. We have Nunes, he was also Portuguese.
and he lived in the court of Devaraya. So two main temples that were built by Krishna Devaraya include Vittal Swami, Hazara Ram Swami Temple, Vijayanagara, Hampi. Okay. He also built, as I mentioned, Nagalapuram in the memory of his queen, Nagala Devi. Okay. So Viruva Puksha chief deity thi, inki Vaishnavites the ye log. Okay. Tolerance the baki religions ke khilaaf. This is all we need to remember. Empire, jaise maine aapse kaha, Mandalab, Nadu, Thalas, Grama, Land Revenue 1/6. They also issued a gold coin called Varaha. Okay, and their port for the overseas trade was Kannur. Okay, so this is all an overview to the also the Vijayanagara Empire. In the next video lecture, I will be teaching the details. Okay, so thank you.